से आपसे फैक्ट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो रियाद में जो मीटिंग हुई उसका जो उनका जो थीम था वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और फिर ग्रोथ एंड एनर्जी क्लाइमेट चेंज वगैरह था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काफ़ी कैबिनेट कॉलीग्स भी थे, मैं भी था, फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, पावर मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, काफ़ी यानी भरपूर हमारी पार्टिसिपेशन थी। और जो इग्विल आपने सुना होगा और आपको आई एम श्योर पता है, जो इनफॉर्मल गैदरिंग जैसे कहते हैं इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर्स इग्विल, तो उसके चार थीम्स थे। दो जो थे वो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एजेंडा के ऊपर एक था और एक इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांसमिशन और ट्रांजिशन के ऊपर था। वो पाकिस्तान की उन दोनों फोरम्स में मैंने नुमाइंदगी की। पीएम साहब ने खुद जो है वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और ग्रोथ के हवाले से दोनों फोरम उन्होंने किए, अटेंड किए। और हमारे कॉलीग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिनटेक और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने, तो चूंकि वो शेयर्ड और डिस्पर्स पूरा प्रोग्राम काफ़ी होता है स्प्रेड ओवर डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसके अलावा जो पीएम साहब की जो मीटिंग्स हुई बायलैटरल, उसमें पीएम की मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और फिर एमडी के आईएमएफ के साथ, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ और बिल गेट्स के साथ हुई। आपको पता है कि बिल गेट पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेशन और वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी कॉपरेशन मुख्तलिफ अदवार में करते थे और करते हैं। पीएम की इसके अलावा जो मीटिंग्स हुई जो हमारी बायलैटरल सऊदीज के साथ जो एक प्रोसेस चला रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में, जब वज़ीर आज़म साहब ढाई दिन के दौरे पर गए, वो हमारी बाई दी वे प्राइवेट विजिट थी लेकिन उम्रे की वजह से, लेकिन उसके अलावा जो उस वक्त जो मेन डिस्कशन हुई कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है और हम कैसे एक दूसरे को एंगेज करें सीरियसली ताकि दोनों मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के में फ़रोग आए और साथ साथ ट्रेड जो है हमारी वॉल्यूम उस पर बेहतरी की जाए, तो उस हवाले से आपने देखा कि जो ही हम वापस आए तो ईद के फौरन बाद उनका एक बड़ा एक भरपूर डेलीगेशन आया उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में। यहाँ वो काफ़ी डायलॉग हुए और वो सिलसिला अब वेफ पे भी जारी रहा। जब हम गए तो हमारी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुई वो सऊदी मिनिस्टर फॉर एनर्जी, सऊदी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, सऊदी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, उनका जो गवर्नर सेंट्रल बैंक है सामा, सऊदी अरेबिया मॉनिटरिंग एजेंसी जिसे कहते हैं, सऊदी मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट वाटर एंड एग्रीकल्चर और सऊदी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग और लास्टली सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी जो यानी स्पेसिफिक पाकिस्तान स्पेसिफिक ये मीटिंग्स थी कि जी हम एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस ने रमज़ान शरीफ के आखिरी जो हमारी ढाई दिन की विजिट थी उसमें जो कहा था कि हम बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी के साथ इन वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर काम करेंगे, तो ये उसी का नतीजा था। और आपने देखा कि अभी उसके बाद एक बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस डेलीगेशन जो है बिजनेस के लिए, वो एक डेलीगेशन सऊदी डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लेके आए परसों रात। मैं तो गैम्बिया से उस वक्त मुकम्मल करके ट्रेवल करने वाला था पाकिस्तान के लिए, तो ये डेलीगेशन भी बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव इनकी कल इंटरेक्शन हुई जो मुझे आज प्राइम मिनिस्टर साहब की सुबह कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग दी गई और वो काफ़ी यानी खुश थे और काफ़ी इम्प्रेस थे कि पाकिस्तान, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लोनेस की वजह से भी मशहूर हैं, लेकिन जितनी फास्ट ट्रैक रमजान शरीफ के आखिरी अशर से अब तक जो मामला चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान मैं समझता हूँ अगर इसी स्पीड पे आगे चले तो इंशाल्लाह हमारी काफ़ी हद तक फ्यूचर इंशाल्लाह रोशन हमारा मुस्तबिल होगा। इसी रियाद के ट्रिप में
जहां हमने मेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इग्वल की सारी पार्टिसिपेशन की और प्राइम मिनिस्टर की, उसके अलावा मेरी जो तीन वहां इम्पॉर्टेंट बायलेटरल मेरे हुए, एक सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, दूसरा मलेशिया के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, और जो सेक्रेटरी जनरल है डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन DCO, तो ये तीनों हमारी वहाँ ये जो मीटिंग थी वो बहुत ही बड़ी फायदेमंद और भरपूर फ्यूचर डिस्कशन थी कि हमने कैसे आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ कि जो जितनी पाकिस्तान की डेलीगेशन में नुमाइंदगी थी, जिसमें SIFC की भी जो हमारी एक नया सेटअप है, पिछले साल आपको याद होगा कानून के जरिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी थी और जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के अंदर रखा गया है, वो भी मैं समझता हूँ कि सब ने अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाई और उसके डिविडेंड्स अल्लाह के फजल करम से नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह जो अगला इवेंट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद, वो रियाद में था और वहाँ 30th जो आखिरी दिन था यहाँ वाइंडिंग अप का, और जो कि सारा समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद जो वज़ीर आज़म साहब की सऊदी क्राउन प्रिंस से मीटिंग हुई और उसमें भी तमाम चीज़ों का अयादा किया गया कि हमने इंशाल्लाह मिल के फास्ट ट्रैक पे काम करना है। तो 30 को सेक्रेटरीज लेवल की जो OIC 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस थी गैम्बिया में, अफ्रीका का मुल्क जो गैम्बिया है, उसके हवाले से सेक्रेटरी साहबान की जो मीटिंग, ऑफिशियल्स मीटिंग 30 को थी और 1 को थी, हमारे सेक्रेटरी खारजा और उनकी टीम वहाँ रियाद से सीधी पहुँच गई, और 2nd and 3rd को जो कि उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो होती है जब भी, तो 2 दिन पहले जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है वो तफसील के साथ सारे काम को डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और फिर ड्राफ्ट जो डिक्लेरेशंस होनी होती हैं और जो कम्युनिके इशू होना होता है उसके ऊपर तैयारी करती है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है मैंने नुमाइंदगी की 2 और 3 तारीख मई को बंजोल गैम्बिया का जो कैपिटल है उस वहाँ, और वहाँ भी भरपूर जो है ममालिक जो 57 कंट्रीज़ का ये जो एक फोरम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की यहाँ एंगेजमेंट्स की वजह से जो 4 और 5 को समिट होना था उसकी भी ड्यूटी मेरी लगी कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर में करूँगा 2 और 3 तारीख को, 4 और 5 को जो 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर भी मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। हमारी जाते ही मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC से भी तफसील से मीटिंग की। मेरे 3 मेजर एजेंडा आइटम्स थे, बाकी तो जाहिर है कि आपने डिक्लेरेशन देखी होगी, करीबन 300 से ज़रा कम 292 के करीब पैरस पे वो डिक्लेरेशन है जिसमें हमने इकट्ठे मिलकर काम किया और एग्री किया, और ये जो कम्युनिके है जो डिक्लेरेशन है वो करीबन 3 सफ़े की है, उसमें वो उसकी समरी समझ लें। तो मेरा जो था कि एक हम जो गज़ा के ऊपर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए भरपूर कोऑपरेशन आपस में करनी और फिर एक भरपूर अंदाज में एक फैसला करना। दूसरा मेरी जो एजेंडा आइटम थी पाकिस्तान के हवाले से वो जो हमारी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की डिस्प्यूट है वो था, और तीसरा जो था एज ए मुस्लिम एंड एक लीडिंग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो इस्लामोफोबिया दुनिया में अरूज पकड़ता जा रहा है और तेज़ी के साथ बढ़ा है उसके ऊपर बातचीत करनी और एंगेज करना, और उन हम ख्याल जो ममालिक हम सारे वहाँ बैठे हैं एक कोई लाया अमल तैयार करना। तो ये 3 मेजर एजेंडा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों के ऊपर भरपूर अपनी जिम्मेदारी पूरी टीम ने निभाई, और
ये जो हमारा पहला गजा के हवाले से था वो उसका जो क्रक्स है वो मैं अर्ज कर देता हूँ कि हमने और ये वहाँ अब पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन और कम्युनिके ये आ चुका है कि इमीडिएट एंड ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स एंड इनह्यूमन सीज ऑफ गजा बाय इजराइल अनइम्पीडेड फ्लो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द बेसीज पीपल ऑफ गजा एंड इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सीज फायर इन गजा रिटर्न ऑफ डिसप्लेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल टू देयर होमलैंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द वार क्राइम्स कमिटेड बाय इजराइल विद इम्प्यूनिटी The UN Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent, and irreversible peace process to secure the realization of the two-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee, committee's efforts. And also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. ये हमारी core demands थी जो कि इस वक्त declaration और वहाँ की जो communique पर जो कि historic document है उसमें ये सारी की सारी चीजें यानी उसमें record हो चुकी हैं. कश्मीर के ऊपर भी और हमने ये भी कहा कि जी उस वक्त तक मिडल ईस्ट में अमन कायम नहीं होगा जो मेरी तकरीर थी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जब तक एक पैलेस्टीन और का इशू जो है वो हल नहीं होगा जब तक ये एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट के तौर पे इसको दिल से तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक 1967 जो है 67 के जो बाउंड्रीज थे उसके हवाले से ये पैलेस्टीन वापस नहीं होगा और अलकुदस शरीफ जो है वो इसका कैपिटल नहीं होगा. ये हमारी कोर जो मैसेजेस थे वो ये थे. और इसी तरह इसी समिट में मैंने कहा कि जिस तरह मुसलमान ममालिक जो हैं वो पैलेस्टीन और गजा के लिए जो सिचुएशन है कोई इंडियन इलीगली हेल्ड जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर वो कोई डिफरेंट नहीं है. वहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी करीबन पैरेलल है. यानी इंसानियत के ऊपर वो मजालम जो ढाए जा रहे हैं जो इनोसेंट हमारे बहन भाई कश्मीरी के ऊपर जो मजालम और जो कुछ वहाँ प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिक चेंजेस हो रही हैं तो उसके हवाले से जो कोर हमारी डिमांड्स कह लें या हमारे मैसेजेस थे वो ये थे कि ये जो मैं उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने वहाँ ये रिकॉर्ड चीज़ें की हैं. कंडेम सर्ज इन एंटी पाकिस्तान रेटोरिक एंड इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस. आपने देखा कि जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि कोई रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा ओमन नहीं है. बी कॉल्ड अपॉन OIC टू कन्विंस इंडिया नंबर वन revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number 2, halt the ongoing